सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आ गया हूँ वो भी नया वीडियो लेकर। मैं जानता हूँ आजकल मैं काफ़ी देर वीडियो ला रहा हूँ गाइस, इसके बहुत सारे कुछ है, लेकिन हाँ जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलो गाइस, लाइफ नहीं क्या था स्टोरी का नाम, लाइव नहीं लाइफ लाइफ इज़ लव। तो जो ये स्टोरी है गाइस, इसका पार्ट टू मैं लेकर आ गया हूँ। सो गाइस चलो गाइस वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं हम, और वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। और हाँ, जो भी खाना पीना जो भी लेना है सब ले लो, और आराम से जहाँ पर भी हो बैठो, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, लेट जाओ, जैसे भी देखना है स्टोरी को पूरा अच्छे से फील करके देखना। और चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि हम आखिरी में देखे थे जो हाइक्यू है, वो उसे नहीं अलग किया था मित्सु और सुमेरु को, और वो बोलता है कि मैं मित्सु से मिल के आना चाहता हूँ। बट वो ये भी बोलता है कि उससे पहले मैं सुमेरु से एक बार मिलना चाहता हूँ, उसका पहले पता लगाओ। तो वो जब सुमेरु से पता लगाता है, मैनेजर बोलता है सुमेरु इस बिल्डिंग में रहती है। तो वो तभी बोलता है चलो अब वक्त आ गया है सुमेरु से मिलने का, करीबन 2 साल बाद मैं उससे मिल रहा हूँ। एंड हाइक्यू सुमेरु के पास सबसे पहले जाता है, और सुमेरु बोलती है अरे हाइक्यू तुम, तभी वो बोलता है सुमेरु 2 साल बाद हम मिल रहे हैं। और तभी सुमेरु बोलती है कि हाँ हम 2 साल बाद तो मिल रहे हैं, बट आज अचानक से यहाँ पे क्यों आना और तुम्हें एड्रेस कहाँ से पता चला। तभी वो बोलता है कि मैंने एक कंपनी है मेरी, हाँ मेरी कंपनी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लेना चाहता हूँ। तभी गाइस सुमेरु तुरंत तुरंत मना कर लेते, मैं ऐसा कुछ, और मैंने मुझे ये भी पता चला कि तुम जॉब के लिए फाइंड कर रही हो, तुम कहीं जॉब के लिए तुम ढूंढ रही हो, और तुम्हें मेरे से कंपनी से अच्छा कहीं जॉब कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें। और हाँ, और तुम्हें बहुत अच्छा जॉब दूंगा, तुम्हें बहुत अच्छे मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, क्योंकि तुम मेरी स्कूल फ्रेंड्स रह चुकी हो। और हाँ, तभी सुमेरु बोलती है स्कूल की तो बात ही मत याद दिलाओ। तभी वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ था, और अब गाइस होता क्या है कि सुमेरु बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आना चाहती, थैंक यू ऑफ़र देने के लिए, और मुझे अभी बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ ऐसे। तभी बोलता है अगर देखो तुम्हें आना पड़ेगा, और गाइस हाइक्यू बोलता है कि तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम नहीं आई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, कंपनी को एक किसी की ज़रूरत है, और वो मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है, और तुम मैं जानता हूँ कि तुम इतनी काइंड होगी, तुम इतनी अच्छी होगी, तुम मना नहीं करोगे, मैं तुम्हें हेल्प करना पसंद है। और गाइस सुमेरु को जब ये चीज़ बोल देता है, तभी सुमेरु बोलते हैं ठीक है मैं कल से आऊँगी। और गाइस लेकिन सुमेरु का आने का बिल्कुल मन नहीं था, बट अब क्या होता है कि वो हाइक्यू बोलते थैंक यू, और तभी वो अगला घर मित्सु की तरफ जाता है। अब गाइस मित्सु घर पे नहीं था, तो मित्सु की मतलब फैमिली थे, तो वो बोलते कि हाय आप कौन है। तभी वो नहीं उसकी फैमिली जानती है गाइस, सॉरी उसकी फैमिली जानती है कि अरे तुम तो हाइक्यू हो ना, मित्सु के स्कूल फ्रेंड पहले के। तभी मित्सु भी घर पे नहीं है, तभी बोलता है हाइक्यू बोलता है मैं उसके कमरे में वेट करूँगा। और तभी मित्सु आता है, और उसके फैमिली बोलते हैं तुम्हारे एक फ्रेंड आया हुआ है। तभी मित्सु बोलता है अरे कबाओ तुम आए हो। तभी दरवाज़ा खुलता है, मित्सु देखता है हाइक्यू तुम और गाइस मित्सु तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी बोलता है हाइक्यू कैसा लगा दोबारा मिलकर। मित्सु बोलते तुम यहाँ तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, और तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वो बोलता है नहीं नहीं मैं भागने नहीं आया हूँ, याद है ना 2 साल पहले क्या हुआ था। मित्सु बोलता है 2 साल पहले, हाँ हाँ मुझे याद है, उस सुमेरु ने मेरे साथ मतलब हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ जैसे कि हम अलग हो गए, मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट ये गलत हुआ। तभी हाइक्यू बोलता है अब गाइज अब वो वक्त आ गया आपको पास्ट की बात बताने की, क्योंकि अब आपको लगता होगा बहुत क्यूरियोसिटी बन गया भाई क्या हुआ 2 साल बाद, क्योंकि आपने ये तो देख लिया होगा पार्ट वन में कि मित्सु और सुमेरु पहली बार स्कूल में कैसे मिले, क्या क्या उन दोनों के लाइफ में हुई, बट अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम जाते हैं वापस है पास्ट में, एक और बार पास्ट के मोमेंट में हम निकल चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब मित्सु और सुमेरु दोनों पास्ट में मतलब स्कूल लाइफ में अपने दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे, तभी होता क्या है कि एक नया स्टूडेंट एक एंट्री मारता है। उस स्टूडेंट का नाम और कोई नहीं रहता, हाइक्यू रहता है। हाँ गाइस हाइक्यू भी उन्हीं स्कूल का मेंबर रहता है। और तभी हाइक्यू मित्सु से बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। मित्सु बोलता है मेरा नाम मित्सु है, तुम्हारा नाम हाइक्यू, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। गाइस हाइक्यू दोस्ती का हाथ बढ़ाता है मित्सु से,
2 साल पहले स्कूल लाइफ में, और तभी मित्सो बोलता है कि ओह तुम्हारे जैसा फ्रेंड मुझे पा के बहुत अच्छा लगा। तभी मित्सो और हाइक्यू एक क्लोज ब्रदर जैसे फ्रेंड बन चुके थे। लेकिन हाइक्यू जब भी बार बार देखता है मित्सो और सुमेरे को एक साथ, और मित्सो ये भी बता चुका है कि सुमेरे मेरी प्यार है, वो मेरी लव इंटरेस्ट है। तभी हाइक्यू बोलता है ओह अच्छी बात है। तभी होता क्या है कि मित्सो और सुमेरे बहुत ज़्यादा क्लोज और आ चुके थे, और तभी हाइक्यू को उन पे गुस्सा आता था, क्योंकि होता था कि हाइक्यू को पता नहीं क्या ऐसे चिड़ बीच बीच में होने लगा था। होता है कि जब भी मित्सो सुमेरे एक साथ रहते हैं, मित्सो हाइक्यू मित्सो को फ्रेंड तो है, एक सच्चा फ्रेंड है, बट उसे पसंद नहीं है कि वो मित्सो सुमेरे को एक साथ देखे। हाइक्यू ना सुमेरे से प्यार तक उतना नहीं करता, मतलब वो प्यार तो नहीं करता, बट तो भी मित्सो सुमेरे को एक साथ वो चाहता नहीं था। उसे काफ़ी गुस्सा आता था उन दोनों को एक साथ देखते हुए। अब होता क्या है कि जो मित्सो है वो, मतलब मित्सो, अब होता क्या है कि हाइक्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मित्सो, उसको गुस्सा आता था मित्सो सुमेरे को एक साथ देखते हुए। अब एक बार हुआ क्या था कि सुमेरे जा रही थी और मित्सो जा रहा था, दोनों मतलब बहुत गुड है, बहुत ही मस्ती कर रहे थे दोनों, बहुत चल रहे थे। तभी होता क्या है कि अब क्या होता है कि मित्सो, अब गाइस वो पास्ट की बातें, तो मित्सो बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अब थैंक यू तुम मेरे साथ हो, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझसे प्यार करो। और तभी सुमेरे बोलते हैं अरे कोई बात नहीं। तभी मित्सो वहाँ से चला जाता है, और तभी गलती से सुमेरे जिसको भाई मानती थी, एक लड़का रहता है जिसका नाम, मतलब उसका नाम भी जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, एक लड़का, अब उसका नाम गाइस पता नहीं क्या है, मैंने बना ही नहीं, तो अब वो एक लड़का रहता है, तो वो लड़का जो रहता है ना वो और आता है, बोलता है कि हाय मेरी बहना सुमेरे। तभी सुमेरे बोलती है अरे भैया आप इधर क्या कर रहे हो। तभी होता क्या है कि मित्स और वो गाइस सगा, मतलब सुमेरे का वो रियल भाई नहीं रहता, एक जस्ट अ फ्रेंड रहता है, बस सुमेरे उसे भाई मानती है एक उस लड़के को। मित्सो तब तक जा चुका था, और मित्सो तब तक जा चुका था, तो मित्सो को पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मित्सो को इतना पता था कि सुमेरे का एक भाई है। तो भी अब मित्सो, अब होता क्या है कि अगले दिन वो, तभी वो भैया बोलता है कि तुम्हें ठंड लग रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। एंड तभी होता क्या है कि अब गाइस ये पास्ट की बातें हैं, प्रेजेंट अभी प्रेजेंट नहीं चल रहा है, पास्ट चल रहा है। तभी अब होता क्या है कि सुमेरे और वो उसका ब्रदर सुमेरे को घर छोड़ देता है। एंड ओके यहाँ से ब्रदर चला जाता है। जब अगले दिन सुमेरे स्कूल जाती है, तो सारे लोग सुमेरे को गौर से ऐसा देख रहे थे कि सुमेरे ने कुछ ऐसा चीज़ क्या कर दिया, उसको घूर घूर से देख रहे थे। अब क्या होता है कि सुमेरे पूछती है, तभी आईक्यू भाग के आता है, सुमेरे पता है क्या हुआ, ये फोटो देखो, स्कूल में हर जगह ये फैल चुका है। तभी अब गाइस इस फोटो में ऐसा दिखाया गया कि जो उसका ब्रदर है सुमेरे का, मतलब वो एक फ्रेंड ही है वो, और वो सुमेरे मतलब दोनों एक साथ है। एंड और क्योंकि जब ब्रदर उसको घर छोड़ता है, तो वो एक बस अपने ब्रदर और भाई बहन के इंटरेस्ट इंटेंशन में घर छोड़ता है, लेकिन स्कूल में उस फोटो को इस तरह दिखाया गया कि वो दोनों लव इंटरेस्ट है। तभी सुमेरे बोलती है ये कैसा फोटो, ये फ़ोटो में नीचे क्या लिखा है, ये दोनों लव इंटरेस्ट है, ये किसने लिखा है फ़ोटो में। तभी भाई क्यों बोलता है वो मित्सो ने लिखा है। गाइस मित्सो ने ये फ़ोटो खींचा और मित्सो ने लिखा। आज गाइस मित्सो आया ही नहीं था स्कूल, आपको लगता है मित्सो आया ही नहीं है स्कूल। तभी उसको वो सुमेरे बोलती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मित्सो ये फ़ोटो में कभी ऐसा लिख नहीं सकता, ये फ़ोटो खींचा तो खींचा लेकिन नीचे लिखा क्या है। तभी उसकी एक सुमेरे की फ्रेंड आती है, बोलती ये क्या है सुमेरे, मैंने तो सुना था तुम्हारे साथ मित्सो तुम्हारा प्यार इंटरेस्ट है, ये क्या चल रहा है फ़ोटो में, तुम भी ना सुमेरे तुमने तो अलग ही छोड़ो। तभी सुमेरे बोलते ऐसा कुछ नहीं है, और तभी हाइक्यू बोलता है देखो अब तुम्हें मित्सो स्कूल नहीं आया, देखो कितना वो है कि वो फोटो खींच के स्कूल ही नहीं आया, क्योंकि तुमसे वो फेस करना ही नहीं चाहता, मैं जानता था शुरू से मित्सो एक घटिया लड़का है, और तुम बात को समझो, वो मित्सो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुम्हें बस बेइज्जत करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता है। तो मेरे बोलती मैं तुम्हारे बात में कभी यकीन नहीं करूँगी, ये चीज़ ये किसी और का अच्छा, मित्सो ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है मित्सो ने किया है।
और तभी मित्सु हाइक्यू एक वीडियो दिखाता है, ये प्रूफ है मेरे पास। और उस वीडियो में मित्सु खुद रहता है, बोलता है कि हाँ मैंने ही सुमेरे की बेइज्जती की है और मैंने ही वो फ़ोटो खींची है, और हाँ उस फोटो के नीचे जो भी लिखा था वो मैंने ही लिखा था, उस फोटो में साफ साफ मित्सु ही था, मित्सु ही ये सब चीज़ें बोल रहा था। अब गाइस आपको भी यकीन नहीं होता कि मित्सु ऐसा कैसे कर सकता है, और साफ साफ आपको भी प्रूफ हाइक्यू ने दे दिया कि मतलब सुमेरे को प्रूफ दिया कि साफ से उस वीडियो में देता है, उस वीडियो में ये भी था कि मित्सु ही ने बोला है, मित्सु खुद अपने मुंह से बोल रहा है, और आज के दिन मित्सु स्कूल भी नहीं आया, ये क्या चक्कर है। एंड गाइस तभी वो हाइक्यू सुमेरे बोलती है मैं अभी भी बिलीव नहीं करूँगी कि वो मित्सु ने किया है। तभी वो हाइक्यू बोलता है तुम मित्सु से प्यार करती हो, मित्सु ने यही तो मित्सु का काम था कि वो तुमसे प्यार वो तुम उसको प्यार करो बस, वो तुम में बेइज्जती कर दो, तुम उस पर यकीन ना करो कि उसने किया है। देखो तुम्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हें अपना तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि अब तुम बेइज्जत हो चुकी हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी सुमेरे बोलते मैं नहीं भागूंगी जब तक मित्सु मेरे सामने नहीं आ जाता, एक बार मैं उससे बात करूंगी तब मैं भागूंगी। तभी वो हाइक्यू बोलता है तुम्हें जाना होगा और तुम जाओ यहाँ से, तुम बात को समझो, मित्सु एक धोखेबाज लड़का है। एंड गाइज अभी गाइज तभी सुमेरे को ले मतलब सुमेरे को तो वो भगा देता है बहुत मजबूरी में। एंड मित्सु स्कूल नहीं आया था क्योंकि उसे गाइज फीवर था, उसके फीवर था बस। वो आखिर में वो वीडियो क्या था, अब गाइज ये इसका भी सच हाइक्यू जब वो हाई आपको इतना तो पता है कि मित्सु ऐसा नहीं कर सकता, सबको पता है ये ट्रस्ट मित्सु ऐसा कर नहीं सकता, और ये कितना सच है वो तो आगे ही पता चलेगा। एंड अब क्या होता है कि ये प्रेजेंट में आ चुका है गाइज, अब वापस हम प्रेजेंट पे जाते हैं। तो ये सब हुआ था पास्ट में जिससे मित्सु और सुमेरे अलग हुए, और अब होता क्या है कि मित्सु मतलब अब जो अब वापस प्रेजेंट पे आ चुके हैं, तो प्रेजेंट पे हम देखते हैं कि जो हाइक्यू है वो मित्सु के घर जा रहा है। तो अब वो अपने घर जा रहा था, अब गए प्रेजेंट पास्ट ख़त्म हो गया, अब पास्ट ख़त्म हो गया अभी के लिए, तो प्रेजेंट पे हम वापस आ जाते हैं कि अब आपको ये पता चल गया कि मित्सु सुमेरे किस तरह अलग हुए। अब देखते हैं आगे क्या होता है प्रेजेंट में, कि जैसे कि हम वहाँ पर रुकी हुई थी कि हाइक्यू मित्सु के घर जा रहा है, एंड जब वो घर जा मतलब घर जा चुका था मित्सु, और मित्सु काफ़ी झगड़ा भी कर रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और तभी हाइक्यू बोलता है कि पास्ट में पता है ना क्या हुआ था, तुम दोनों मित्सु तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो, आज तक वो मेरे साथ मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है। तभी वो मित्सु बोलता है कौन सा वीडियो, ऐसा कौन सा वीडियो। तभी वो हाइक्यू बोलता है सो गाइज उसके बाद होता क्या है कि मतलब हाइक्यू बोलता है तुम्हें पता है ना सुमेरे ने क्या किया था पास्ट में। तभी वो मित्सु बोलता है मुझे याद है लेकिन मुझे पता है तुम मैं तो लेकिन मुझ तुम्हारी कोई गलती नहीं थी पता नहीं, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपनी पास्ट की बातें याद आ जाती है। सो तुम यहाँ से चले जाओ, चले मतलब चले जाओ। तो तभी वो बोलता है क्यों देखो मैंने एक कंपनी खोली है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस कंपनी में आओ। तभी मित्सु बोलता है क्यों। अब गाइस आपको बता रहा हूँ कि पास्ट में अब आगे वापस से हम पास्ट में चलते हैं, वापस से अब प्रेजेंट वहाँ से अभी ख़त्म हो गया तो पास्ट में वापस चलते हैं। तो पास्ट में जब सुमेरे को वो भगा देता है मजबूरी में, एंड तभी हाइक्यू हंसता है कितना इजी था यार ये सब करना कितना इजी था, मुझे कितना इजी था यार ये सुमेरे मित्सु को एक झटके में, वो भी थोड़ा सा मैंने बस झूठ बोला, और ये वीडियो क्या चीज़ था यार। अब गाइज इस वीडियो की मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हुआ था क्या कि 2 दिन पहले मित्सु और हाइक्यू, आपको पता है कि मित्सु और हाइक्यू एक बहुत ब्रदर जैसे फ्रेंड है, तो हाइक्यू ऐसे ही बोलता है चल तेरा एक मैं एक वीडियो बनाता हूँ, और तभी मित्सु बोलता है कैसा वीडियो, तू सोच कि तूने सुमेरे को मत तू सोच कि मतलब मैंने सुमेरे को कभी मैंने नहीं हाँ तू सोच कि तूने सुमेरे को कभी हर्ट किया है तू उसको क्या करेगा, और तूने तूने मतलब तूने कुछ लिख कर किया है तू बता तू क्या करेगा, तू उसको कन्फेस कर। तभी मित्सु बोलता है अरे मैं कभी सुमेरे को हर्ट क्यों करूँगा, कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। तभी बोलता है अरे तू सोच ना, चल तेरा एक वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो मैं कहीं डालूंगा नहीं बस डिलीट कर दूंगा। तभी मित्सु बोलता है अरे नहीं नहीं मैं सुमेरे को हर्ट क्यों करूँगा, मैं ऐसा काम ही क्यों करूँगा। तभी वो बोलता है तू बोल चल दोस्ती के लिए बोलना पड़ेगा। मित्सु बोलता है चल ठीक है, कि अब उस वीडियो में बोलता है कि गाइस तो हाँ मैंने ही सुमेरे की बेइज्जती की है, ये डाल यही लाइन था। लेकिन मित्सु मन में सोचता है मैं कभी बेइज्जती कर ही नहीं सकता। दूसरी बात हाँ हाँ मैंने उसके पेपर में लिखा था, बस यही बोलना था ना, बोलता है हाँ यही बोलना था, लेकिन मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा।
और हाँ मिस उसके बाद ये बोलता है कि मतलब हाँ मैंने ही लिखा था, यही बोलना था ना, हाँ वीडियो बन गई ना, वैसे वीडियो बना क्यों रहे, अरे कुछ नहीं है ऐसे ही बना रहा हूँ, और वैसे अभी डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर चल, ऐसे भी मैं सुमेर को भी हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा डायलॉग बोलवाता है। और तभी मिस बोलता है, वो दिखाता है मैंने डिलीट कर दिया, देखो डिलीट कर दिया, मिस बोलता है हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ सुमेर से मिलने, पता है आज मैं सुमेरे डेट जाने वाले, बोलता है हाँ एंजॉय कर, तभी मन में बोलता है बस 2 दिन की खुशी है, और वहाँ से चला जाता है अब हाई क्यू। लेकिन वो डिलीट नहीं किया था, उसके बाद डबल फाइल उसने जब वीडियो करते टाइम वो डबल फाइल उसका बना चुका था वीडियो का। एंड अब यही चीज़ हुई थी गाइस, और मित्सो ने मतलब उस इंटेंशन से नहीं बोला था, मित्सो हाई क्यू, और आपको पता ही चल गया मित्सो ने वीडियो क्यों बोला, वीडियो क्यों बनाई, मित्सो कोई सुमेरे को धोखा नहीं दे रहा है, ये गाइस हाई क्यू का सब प्लान था वीडियो बनवाने का मित्सो से, लेकिन मित्सो उस नियत से वीडियो नहीं बनाया था उसने, वो तो बस ऐसे ही बना दिया था। एंड गाइस आपको ये भी पता चल गया कि वो वीडियो की कितनी सच्चाई थी, वीडियो की बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। अब क्या होता है कि जो मित्सो है वो, और अब हाइकू, अब वापस हम प्रेजेंट पे आ चुके हैं, और नहीं प्रेजेंट पे अब आ चुके हैं वापस से, तो तभी हाईक्यू आप वहीं पे रुके थे प्रेजेंट पे, कि हाईक्यू बोलता है कि तुम्हें कंपनी में आना पड़ेगा, मित्सो बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी में कभी नहीं आऊँगा, हाईक्यू बोलता है अगर सुमेरे वहाँ पे हो तो, मित्सो बोलता है सुमेरे वहाँ पे क्या कर रही है, हाईक्यू और झूठ बोलता है गाइस, कि बोलता है कि सुमेरे तुमसे प्यार नहीं करती ना, तुम वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सुमेरे कभी तुमसे प्यार करेगी, और तुम कंपनी में इसलिए आई है। तभी मित्सो सो वो हाई क्यू झूठ बोल देता है मित्सो से, कुछ ऐसा झूठ, मित्सो बोलता है सुमेरे ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, वो जितना भी मैं उससे गुस्सा हूँ लेकिन वो कभी भी दूसरे आदमी से कभी प्यार नहीं कर सकती, हाई क्यू झूठ बोलता है कि हाँ वो करती है, और तभी मित्सो बोलता है वो कभी कर नहीं सकती, हाई क्यू गाइज हाई क्यू एक और बार झूठ बोल देता है कि वो कंपनी में क्यों आ रही है, कंपनी में आपको तो पता है उसको मजबूरी था, वो मजबूरी से उसे कंपनी में भी लाया क्योंकि उसको हेल्प करना था, सुमेरे तो काइंड पर्सन है, बट मित्सो को वो हाई क्यू झूठ बोल देता है कि सुमेरे किसी और वजह से आ रही है, हाई क्यू गाइज पूरा विलन जैसा काम कर रहा है। एंड मित्सो बोल तभी मित्सो बोलता है मैं भी आऊँगा, मैं भी तो देखना चाहता हूँ वो वहाँ जाके करती क्या है। एंड तभी हाईक्यू बोलता है हाँ तो कल है, कल सुबह 9 बजे से कंपनी में आ जाना, मैं वेट करूँगा। अब क्या होता है कि मित्सो, तभी वो हाईक्यू वहाँ से चला जाता है, मित्सो अकेला रूम में काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था, क्योंकि अब गाइज उसे, और वापस हम पास्ट में चलते हैं गाइज, एक और बार हम पास्ट में चलते हैं, कि जब गाइज जब मतलब आपको लगता हो कि मित्सो क्यों सुमेरे से दुख है, क्योंकि आपने पास्ट में देखा था कि सुमेरे को मतलब दुख होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, वो तो हाईक्यू ने सब प्लान किया हुआ था। तो गाइज उसके बाद हाईक्यू जब सुमेरे को वो मतलब पास्ट में हम वापस चलते हैं, तो जब सुमेरे को वो भेज देता है कहीं और जगह मजबूरी से, तभी वो मित्सो को कॉल करता है, बोलते मित्सो को तब फीवर था गाइज, आपको पता है उस दिन नहीं आया था मित्सो, तभी वो हाईक्यू उसके घर जाता है, बोलता है कि सुमेरे भाग गई, तभी मित्सो बोलते कहाँ, अब उसको फीवर था, वो भाग गई, वो पता है वो भाग गई क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। एंड इसको ये फोटो, ये पता है ना ये फोटो, ये देखो, उसको लगता है कि ये तुमने किया है, मैंने कितना समझाया, हाईक्यू यहाँ पे भी झूठ बोलता है कि मैंने कितना समझाया कि मित्सो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुमेरे बोलती कि नहीं ये मित्सो ने किया है, वो भाग गई, देख रहे हो कैसे भागी है, मित्सो बोलता है, और गाइज मित्सो को बोलता है तुम मैं नहीं यकीन करता। और सो गाइज उसके बाद मित्सो यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो बोलता है तुम्हें यकीन करना होगा, अब मुझे मुझे लगता है कि तुम्हें यकीन करना होगा, और पता है ये सच है, तुम्हें यकीन नहीं है, यकीन नहीं है ना, तो रुको मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। और वो वीडियो गाइस कुछ नहीं था, जब आपको याद है ना सुमेरे जिस तरह भागी थी, कि जिस तरह वो हाईक्यू भगा रहा था उसे, मतलब भगा रहा था ना कि तुम जाओ मित्सो धोखेबाज है वो ये वो, तो वो मजबूरी से सुमेरे को वहाँ से भगा देता है, तो वही चीज़ था गाइस मोमेंट, कैमरा जो स्कूल में कैमरा रहता है ना, तो वही कैमरा लाया था, फुटेज कैमरा, मित्सो देखता भी है, और ये लेकिन कैमरा पूरा मतलब वो वीडियो पूरा एडिट वाला वीडियो था, एडिट वाला था वो, उस वीडियो में जिस तरह सुमेरे देख रही थी ऐसा दिखाया जा रहा था कि सुमेरे बोल रही कि नहीं मित्सो ने ही किया है, ये मित्सो ने ही किया है, और वो और इस तरह हाईक्यू को दिखाया जा रहा था, हाईक्यू बोल रहा है कि मैंने नहीं किया है, मैंने मित्सो ने ऐसा कभी नहीं किया, मैं मित्सो पे यकीन करता हूँ ये, लेकिन हाँ सेम उसका उल्टा हो गया, मतलब एडिट पूरा उल्टा चला गया, तो वही गाइस तभी मित्सो देखते हैं मैं इस वीडियो में यकीन नहीं करता, जैसे कि गाइस आपको याद है सुमेरे भी वीडियो पे यकीन नहीं कर रहे थे, बट हाईक्यू ने जैसे मजबूरी में मित्सो ऐसा सुमेरे को ऐसा यकीन दिलवा दिया, सेम चीज़ मित्सो के साथ भी हुआ,
कि हाइक्यू ने मतलब मजबूरी में मित्सो को यकीन दिलवा दिया कि ऐसा ही हुआ था। एंड गाइज यहाँ से पूरे तरीके से आपको पता चल गया होगा पूरा पास्ट उनके बीच में कैसे कैसे हुआ। और अब वापस से हम प्रेजेंट में आ चुके हैं जब मित्सो ये सब चीज़ें अभी याद कर रहा था क्योंकि कल उसे कंपनी में जाना है। एंड मित्सो जाता है कंपनी कल 9 बजे। गाइस जब मित्सो जाता है कंपनी में तो वो देखता है सारे सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स सारे मित्सो को देख रहे हैं। वो आ रहा है एंड सामने खड़ा है हाइक्यू, उसके पीछे है सुमेरे। सुमेरे को पता नहीं था कि मित्सो भी आने वाला है। जब सुमेरे मित्सो को देखती है आमने सामने और मित्सो सुमेरे को देखता है तो गाइस आगे क्या होता है वो तो अगले पार्ट में आपको पता चलेगा। एंड प्रेजेंट पे हम आ चुके थे और आपको पता चल गया कि ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा कुछ हार्ट टचिंग था। देखते हैं अगला पार्ट क्या जाएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।